हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है और उस बयान पर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है। भारत चीन विवाद पर ट्रंप का बड़बोलापन। वी हैव इन्फॉर्म बोथ इंडिया एंड चाइना कि यूनाइटेड स्टेट्स तैयार है आप दोनों के बीच में मीडिएट करने के लिए, आर्बिट्रेट करने के लिए, जो ये रेज बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर है। फिर थैंक यू। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कभी कश्मीर को लेकर जबरदस्ती उसमें आने की कोशिश करते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जब चीन और हिंदुस्तान ये बात कह रहे हैं कि हम आपस में सॉल्व कर देंगे, बातचीत से मसला हल हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि मैं मीडिएट करने को तैयार हूं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके क्या जाहिर करना चाह रहे हैं। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन हम मध्यस्थता को तैयार है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो मध्यस्थता को तैयार है। भारत चीन को समझाने की कोशिश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो बॉर्डर पर तनाव चल रहा है इन दोनों देशों को लेकर, उसके बीच मैं मध्यस्थता कर सकता हूं। अरे भाई, आप अपने घर को संभालिए ना। आपका ट्रेड वॉर चल रहा है चीन से, आप उसे क्यों नहीं संभालते हैं। हिंदुस्तान की तरफ आपको दवाइयों के लिए देखना पड़ता है और अब हिंदुस्तान को आप मीडिएट करने के लिए मदद का हाथ देने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान खुद अपनी परेशानियों को हैंडल करना जानता है। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़बोलापन दिखाया है ऐसे ही जवाब दिया है। याद कीजिए पिछली मर्तबा जब कश्मीर को लेकर पूछा गया था तो क्या कहा था, हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रणय, ये बड़बोलापन तो खत्म ही नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट क्या क्या बताता है? वी आर रेडी टू मीडिएट, बट भाई साहब आपसे पूछा किसने मीडिएट करने के लिए? ये स्वाभाविक आपकी प्रतिक्रिया हो सकती है। निश्चित रूप से भारत और चीन ने भी ना मीडिएशन का कोई प्रस्ताव अमेरिका को दिया है, ना अमेरिका से कोई आग्रह किया है। ये अमेरिका की तरफ से एक सुओमोटो प्रस्ताव है। लेकिन अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों के दौरान रूबिका जिस तरीके से भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं, चाहे पहले एलिस जे वेल्स का ये कहना कि हम आगाह करते हैं भारत को कि भारत तो सावधान रहे, चीन जो है वो बिल्कुल धोखा देने वाला है, चाहे माइक पॉम्पियो की तरफ से दी गई चेतावनी हो या भारत में चीन के राजदूत की तरफ से आया हुआ बयान हो, लगातार ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन के बीच विवाद में अमेरिका कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। और शायद उसी का नमूना है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने, क्योंकि इसके पहले डोकलाम के समय भी अमेरिका ने की तरफ से बयान आया था लेकिन मध्यस्थता की तरफ की कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। शायद ये पहला मौका है जब भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर इस तरीके का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आया है और उन्होंने कहा है कि हमने दोनों देशों को यह कहा है कि मध्यस्थता करने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी है। आप इसके शब्दों को देखें कि अमेरिका इज विलिंग एंड एबल टू मीडिएट और आर्बिट्रेट, तो ये निश्चित रूप से बताता है कि अमेरिका इस मामले के अंदर इसको काफी तूल भी दे रहा है और इस मामले को आगे बढ़ता देख रहा है। नहीं, पर ये हर बार अंकल सैम बनने की जो कोशिश है कि नहीं मैं सबसे बड़ा बुजुर्ग हूँ और पूरी दुनिया को मेरी बात माननी होगी, ये यूनाइटेड स्टेट्स को कब समझ में आएगा कि अब वो दौर नहीं रहा, अब आपको बदलना होगा। मतलब यूनाइटेड स्टेट इज रेडी एंड विलिंग। भाई आप विलिंग है, दोनों देश विलिंग नहीं है ना चीन और ना हिंदुस्तान। हाँ, इसीलिए जब तक मध्यस्थता की भूमिका तो तभी हो सकती है रूबिका जब दोनों पक्ष इस चीज के लिए तैयार हों। फिलहाल भारत और चीन दोनों ही ये कहते रहे हैं कि वो अपने मामलों को मध्यस्थता से सुलझाते हैं, अपने मध्यस्थता मतलब द्विपक्षीय तरीके से सुलझाते हैं। दोनों के बीच में स्प्रेड मैकेनिज्म है, बहुत सारे बॉर्डर मैकेनिज्म है और ऐसे में फिलहाल अगर आप देखिए तो कोई ऐसा बयान भी दोनों तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया जिसमें प्रणय मैं बिटवीन द लाइन समझना चाह रही हूँ। मतलब क्या छुपा हुआ है इस ट्वीट के पीछे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से या प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से हमें पता है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो खुद कुछ भी कभी भी ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन चाइना के मसले में इस तरीके का ट्वीट, ये किसी तरफ तो इशारा कर रहा है ना प्रणय?
ये निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से अमेरिका जिस तरीके से चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद एक और मौका अमेरिका को देता है जिसमें वो चीन को इस चीज के लिए कटघरे में खड़ा कर सके कि चीन इस मामले के अंत को बढ़ा रहा है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, और ऐसे में उनका ये कहना कि वो इसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार है अगर भारत और चीन जो है उनको दोनों को ही अमेरिका ने ये प्रस्ताव दिया है कि वो चाहे तो अमेरिका इसके अंदर मध्यस्थता कर सकता है, सुलह सफाई करवा सकता है। यानी एक तरीके से एक जो दुनिया भर में चौधराहट की जो अमेरिका की पॉलिसी रही है ये उसका तो है ही सही प्रतीक। लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा था रूपिका कि पिछले कुछ समय में अगर आप देखें यानी पिछले एक महीने के दौरान अमेरिका की तरफ से चीन को लेकर आए बयान देखें, भारत और चीन के बीच में मई के पहले सप्ताह से चाहे नाकुला की घटना से लेकर अभी तक गलवान वैली तक की जो घटना चल रही है उसके मद्देनजर देखें तो जो बयान आते हैं वो अपने आप में काफी फॉर्टकमिंग बयान है। अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से खुलकर भारत के समर्थन में चीन के खिलाफ चीन को घेरते हुए जो बयान अमेरिका की तरफ से आए हैं, यानी निश्चित रूप से इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका खासी दिलचस्पी रख रहा है और ट्रंप इस मामले को थोड़ी हवा देने के मूड में भी फिलहाल नजर आ रहे हैं। हाँ, मतलब गोल्फ खेलते खेलते अचानक जहन में आ गया होगा तो ट्वीट कर दिया होगा, ये भी कहा जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।